बीडीसी को सैलरी दो, सैलरी दो, बीडीसी को सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। इस वक्त हम जो हैं डिस्ट्रिक्ट जिला रामबन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ वीडीसी के कुछ मेंबर्स जो हैं, इनकी डिमांड को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम एक एक कर से सबसे जानते हैं कि इनका आखिर मसला क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, आप यहाँ पर इस रोड पे आप क्यों खड़े हैं? आपने यहाँ से सुबह से हंगामा मचा हुआ रखा है, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है सर, वीडीसी अब बिल्कुल तंग आ चुकी है, रोड पे उतरने के लिए मजबूर है, और बीजेपी सरकार ने हमारे साथ झूठे वायदे किए। बीडीसी को सैलरी लगाई जाए, 96 से लेकर 2021 तक कुछ नहीं किया, लॉलीपॉप खिलाते रहे। ये सरकार बनाओ हमारी तो हम वोट देंगे, एमएलए को जिताया, एमपी को जिताया, तो आज तक हमने मार ही खाई, किसी बीडीसी भाई को सैलरी नहीं लगी, झूठ करते गए। बीडीसी इसलिए अब मजबूर हो चुकी है, तंग हो चुकी है, अब हमने हाई नेशनल को भी रोकना है। अभी तो हम धुंधराट, गनोत, दमोत, केंठी, नेरा, रामबन डिस्ट्रिक्ट से हम बोल रहे हैं, हम अब हाई नेशनल को भी रोकेंगे। ये सैलरी अगर हमें नहीं मिली जल्द से जल्द, जैसे लॉलीपॉप खिलाते गई बीजेपी, कभी डॉक्टर जितेंद्र साहब हमारे ये दिल्ली से आए थे, अनुराग ठाकुर केंठी में आए थे, जलसा किया था वहाँ, कटौत जी को वोट दो, राकेश को जिताओ, हम नोटों की बरसात लगा देंगे, बीडीसी को सैलरी देंगे, इनको जिताओ। डीडीसी का इलेक्शन तो जिताए, कुछ न कुछ सीट है हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट से भी मिली बीजेपी को। अब आगे आने वाले असेंबली के इलेक्शन है, अगर बीडीसी भाइयों को सैलरी नहीं मिली, बीजेपी का सफाया है जम्मू कश्मीर से, ये निश्चिंत हम हकीकत दिल से कह रहे हैं, और बीजेपी का सफाया है जम्मू कश्मीर से। अगर सैलरी बीडीसी वालों को नहीं मिलती है, हमारी ये चेतावनी भी है और हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि जितना भी शेयर हो सके इस खबर को शेयर करो, मोदी तक जानी चाहिए, हर गली, हर गांव, हर बंदा इस पर सोचना चाहिए। देशभक्तों के साथ इतनी गद्दारी, जब यहाँ लोग माइग्रेट हो रहे थे इन पहाड़ी इलाकों में, हिंदू भाइयों का कत्ल किया जा रहा था आम शरे, और उनकी गर्दनें उड़ाई जाती थी दिन में, और यहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे थे, उस वक़्त से लेकर वीडीसी भाइयों ने अपनी जान पर खेल के हथियार पकड़े हैं। मेरी एज कम से कम 35 साल है, अगर मैं उस ज़माने से पढ़ता लिखता तो मैं भी फौज से रिटायर होकर घर आता, उस वक़्त मैंने गन पकड़ी 18 साल का जब मैं बच्चा था, और गवर्नमेंट ने अब तक धोखा देकर पूरी बीडीसी को चकमा दिया है, मिलिटेंटों को हमने रोका है, जैसे तालिबान अब भारत के लिए अटैक सोच रहा है, या अमेरिका ने मार खाई है, कैसे बोरी बिस्तरा बांध कर अमरीका वापस गई। अच्छा चले ठीक है, तो आपका कहना कि हमारी सैलरी जो 1998 से लेकर 2021 तक रुकी हुई है, रुकी तो हुई इस है। वक्त कब किसी को सैलरी मिल रही है किसी भी मेंबर को? 96 में तीन तीन एसपीओ रखे थे ग्रुप में, तीन तीन एसपीओ, उनकी सैलरी डिस्प्यूट होती थी आठों में, आज 2021-18 से बाद इनमें आपस में धांधली पड़ गई, ये कोई सैलरी डिवाइड 96 वाले भी आपस में नहीं कर रहे हैं, और ये धांधली ज़्यादा लंबी होती जा रही है। हमने न्यूज़ में भी सुना कि इनका अब बेस ये बना है कि ये सब के सब इकट्ठे होंगे, 54,000 या कितना भी होगा तो इसको डिवाइड करेंगे, ये सब ठगाने की बातें हैं। अब हम धोखे में आने वाले नहीं हैं, अगर आने वाले असेंबली के इलेक्शन हो, एमपी के हो, बीजेपी जम्मू कश्मीर से सफाई हो जाएगी, ये क्लियर है। इसको बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार झूठ करती है। जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनकी स्कीम से रोड़े, गन्ने वगैरह जो ये स्कीमें चल रही थी वो हमें मिल रही थी, आज जैसे मोदी सरकार है, जैसे आज कोरोना वायरस चल रही है मास्क लगाकर, वैसे ही हमारी सरकार ये मास्क लगाकर हमें लूटती जा रही है, दिन ब दिन झूठ कर रही है और लूट रही है, कोई वायदे ग्राउंड पे नहीं हो रहे हैं। बोलते हमने रोड दी, किसी गांव में रोड दी, किसी गांव में रोड ही नहीं पहुंची, आगे ओके करते हमने दे दी, सब कार्य हो चुका, ये झूठ कितना झूठ चलेगा, बीजेपी ने झूठ करके ही गला काटा है। हम तो एक देश के सिपाही हैं जिन्होंने देश जम्मू कश्मीर को बचाया है, अपने भाई लोगों को बचाया है, हमारे साथ इतना झूठ है तो बाकी आम के साथ क्या कर सकती है ये बीजेपी, कर सकती है, कितना झूठ हुआ है इसका कोई अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये खबर मोदी तक हर कस्बे, हर गाँव, हर मोहल्ले में, हर एक जगह शेयर करना चाहिए, जो शेयर नहीं करेगा उसको भी भगवान माफ नहीं करेगा। इनका कहने के मतलब है कि बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो ये
हमें पॉलिसी के तहत जो ये रेफरल्स दी थी वो लागू हो चुके हैं, मगर उसके नाम पे अब बीजेपी सरकार जो है राजनीति जो है अपना रही है कि हमने जो है इनको जो है सैलरियाँ दी, हमने इनको गन्स दिए, बट उनके नाम पे एक उल्टा नकाब पोश पहनकर वो वोट बैंक जो हो बीजेपी ले रहे हैं। आइए हम एक और मेंबर से जाने की कोशिश करते हैं कि वो इस मुद्दे में आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका मसला ये कब से चल रहा है और आपने किस किस तक आवाज़ पहुँचाई, आपका मसला कहाँ तक पहुँचा? यस सर, हमारा मसला तो अभी कहीं तक नहीं पहुँचा, ऐसे तो पहुँचा दिल्ली तक पहुँच गया। तो कल शाम को हमारे पास एक मैसेज आया, तो वो एलजी साहब के पास गए थे श्रीनगर में, तो उन्होंने बोला जी कि जो ये पेड कमेटियाँ हैं उनको ही जी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये तनख्वाह वगैरह, तो जो अनपेड कमेटियाँ हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, उनके लिए कुछ भी नहीं है, हम भी तो उन्हीं के साथ बराबरी में तो कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हर जगह पे हम जा रहे हैं, हर उनके साथ बराबर चल रहे हैं, और हम लोगों का तो चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुश्किल हो गया है कि बच्चों को कैसे गन छोड़ के कहाँ जाएंगे, ना तो हम कहीं काम पर जा सकते हैं ना कहीं किसी जगह पर जा सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या। हमारा बिजली का बिल आप देखो 20-25 हज़ार आ गया, बच्चों की स्कूल फीस है, बच्चों की एडमिशन है, ये कहाँ से पूरी करेंगे? अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो यही है कि हम बीजेपी सरकार को बायकॉट कर देंगे। कोई बीजेपी सरकार का ये बायकॉट करने का आज इन्होंने जो है निश्चय किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बीजेपी सरकार।